हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ जॉली ग्रांट के छात्र अतिरिक्त ट्यूशन फीस के विरोध में आज धरने पर बैठ गए हैं। आपको बता दें, छात्रों के कल से एग्जाम, फाइनल वर्ष के परीक्षा भी होनी है। छात्रों का कहना है कि परीक्षा से एक दिन पहले इंस्टीट्यूट द्वारा ट्यूशन फीस के नाम पर 23 लाख रुपए की मांग की जा रही है और कहा जा रहा है कि अगर फीस नहीं दी तो परीक्षा नहीं देने दी जाएगी। वहीं इसके विरोध में आज सैकड़ों छात्र अस्पताल के बाहर धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठी छात्रा ने कहा कि 2017 में उन्होंने MBBS में एडमिशन लिया था। एडमिशन के वक्त छात्रों से एक शपथ पत्र भी लिया गया था जिसमें कहा गया था कि अगर कोर्ट द्वारा फीस में बढ़ोतरी होती है तो छात्रों को बढ़ी हुई फीस देनी होगी। लेकिन अब एग्जाम से पहले छात्रों को बोला जा रहा है कि 23 लाख रुपए जमा कराए। डोईवाला से जावेद हुसैन की रिपोर्ट। एडमिशन यहाँ पे MBBS में 2017 में हुआ था। हम लोग MBBS के छात्र हैं हिमालयन इंस्टीट्यूट में। हमने जब एडमिशन लिया था तो हमने एक एफिडेविट भी साइन किया था जिसमें ये था कि अगर कोर्ट हमारी फ़ीस बढ़ाता है तो हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब फाइनल ईयर में हमसे ये बोला गया है कि हम 23 लाख रुपए का चेक ला के दें तभी हमें एग्ज़ाम हॉल में बैठने दिया जाएगा। और कल ही हमारा एग्ज़ाम है और हम 144 स्टूडेंट्स को लिस्ट आ गई है कि हम एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। सिर्फ कुछ ही बच्चे जिन्होंने चेक दे रखा 4 वो ही दे सकते हैं और हम नहीं दे सकते एग्ज़ाम। और हमसे ये भी बोला गया है कि जब तक हम चेक नहीं देंगे तब तक हम एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते। अगर बैठना भी है 6 महीने बाद भी बैठना है तो भी चेक दे के ही बैठना पड़ेगा। ये ट्यूशन फीस के लिए हमें मांगी जा रही है जो कि कोर्ट डिसाइड करेगा, जिसका डेट अब 2 दिन बाद और हो चुका है। हमारा केस अभी पेंडिंग है, जो कि अभी पेंडिंग है। अभी केस हियरिंग चल रही है, कोई डिसीजन नहीं आया है। ये कह रहे हैं कि हमें सिक्योरिटी चाहिए, हमें पैसे चाहिए, हमें ये होना चाहिए कि आपके पास पैसे हैं कि नहीं। लेकिन हम इतनी जल्दी नोटिस में हम 23 लाख रुपए का चेक नहीं ला सकते हैं और हम वैसे भी नहीं ला सकते हैं क्योंकि हमारे पास है ही नहीं। हम 5 लाख वो भी गवर्नमेंट के थ्रू आए थे। हमने जब एडमिशन लिया था तो उसमें लिखा हुआ था कि 5 लाख रुपये आपकी फ़ीस है, इसीलिए हम इस कॉलेज में एडमिशन लेने आए थे। कि और ये मामला हमारा 2017 से ही कोर्ट ये 2017 से ही हमारा कोर्ट में है। तब से अभी तक कोई भी डिसीजन इस पे ये नहीं आया कि बच्चों को इतनी फीस देनी है या नहीं देनी है, ये पेंडिंग ही चल रहा है। तो जब अगर ये ऑर्डर आता है कि फीस बढ़ जाएगी तो हम वो बढ़ी हुई फीस देने के लिए तैयार है क्योंकि हमने एफिडेविट साइन किया है। लेकिन अभी जब ऑर्डर नहीं आया है तो हमें अभी 3 साल तो आपने बिल्कुल भी नहीं रोका हमें एग्जाम देने से, या जो 5 लाख की फीस देने से हमें नहीं रोका। तो हम जब फाइनल ईयर में आ गए हैं, जब हमारा फाइनल स्टेज आ गया है, हमें नीट पीजी का एग्जाम देना है 1 साल बाद, तो आप हमें ये कह रहे हैं कि आप 23 लाख रुपए का चेक ला के दें। हम इतने हमारे पास पैसे नहीं है हमारे माँ बाप के पास कि हम 23 लाख रुपए आपको ला के दें। और जिनके पास है भी है वो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं कि हम नहीं देंगे तो नहीं देंगे। 44 स्टूडेंट्स हैं हम लोग जी। ये एक सालाना 5 लाख फीस थी जो इस साल की भी हमने जमा कर दी है। सभी बच्चों ने यहाँ जितने भी बैठे हैं 5 लाख फीस जमा कर दी और 16 लाख रुपए फीस भी दे 16 हज़ार भी दे दी है जो कि हमारी एग्जामिनेशन फीस है, वो भी इन्होंने ले ली है। हमारे पास सब चीज़ का प्रूफ है। कल है एग्जाम मेडिसिन का पहला। जब समस्या हमारे जो एडमिशन हुए थे 2017 बैच के MBBS के स्टूडेंट्स हैं, हमारे एडमिशन जो हुए थे वो HNBN यूनिवर्सिटी के थ्रू हुए थे यहाँ पे। तो उसमें जो हमारी फ़ीस बताई गई थी वो 5 लाख रुपए करी गई थी, जो उत्तराखंड से बाहर के हैं, जो उत्तराखंड के स्टूडेंट्स हैं उनकी फ़ीस 4 लाख रुपए थी। उसमें से 75 बच्चे उत्तराखंड के थे और 75 बच्चे उत्तराखंड से बाहर के थे जो कि नॉन डोमिसाइल कैंडिडेट थे। इन्होंने सबसे पहले तो ये किया कि जो उत्तराखंड के 75 बच्चे थे जिनकी फ़ीस 4 लाख रुपये थी, इन्होंने उसको इंक्रीज कर दिया। वो फ़ीस हमारी इन्होंने एकदम से 60 बच्चों को दे के हमारी फ़ीस 4.5 लाख रुपये लास्ट में मांगी। उसके बाद अब ये कह रहे हैं कि जो तुम्हारा फीस हमने कॉलेज ने डिसाइड किया था हम वो लेंगे। उसका मार्जिन मनी का हमसे एग्ज़ाम से 1 दिन पहले चेक मांग रहे हैं कि मार्जिन मनी का चेक डिपॉजिट कीजिए, जबकि जो हमारा केस है इसका वो कोर्ट में अभी लंबित है। कोर्ट ने इसमें अब तक कोई ऐसा आदेश नहीं दिया कि हमको इनको चेक देना है। हम चेक देने के लिए बाउंड नहीं हैं, ठीक है। और इस चीज़ को देखते हुए, हमारे एग्ज़ाम के समय को देखते हुए, हमारा समय बर्बाद करा रहे हैं। कल हमारा एग्ज़ाम है, आज हमारा पूरा दिन इसमें निकल गया, ठीक है। पिछले 6 दिन से हमारा उत्पीड़न हो रहा है, बार बार कभी नोटिस किसी चीज़ का डाला जा रहा है, कभी किसी चीज़ का नोटिस डाला जा रहा है, ठीक है। अब पढ़ाई करें या इनके नोटिस झेलें। मेडिकल में हम आते हैं, हम सेवा करने के लिए आते हैं समाज की, ठीक है। अगर हमें 23-24 लाख रुपए ऐसे दे के हम मेडिकल में आएंगे तो हम क्या तो किसी की सेवा करेंगे, ठीक है। और फिर डॉक्टर को कहा जाता है कि डॉक्टर लूटता है। अरे लूटता कहाँ यार, हमारी
जान आफत में आ चुकी है यहाँ पे। अगर आज हमारे लिए समाज खड़ा नहीं होगा तो कल हम किसी के लिए खड़े होने की हमसे अपेक्षा ना करें। एक डॉक्टर के पास आप आते हो तो डॉक्टर के पास आप ये उम्मीद लेके आते हो कि कल वो आपका इलाज करेगा, आपके पास पैसे हैं नहीं है वो आपकी मदद करेगा। तो आज हमारी मदद के लिए खड़े हो, आज हम यहाँ पे बैठे हैं। अगर आज हम पैसे देते हमारा पूरा परिवार फेस करेगा उस चीज़ के लिए। कोई यहाँ पे किसान का बच्चा है, ठीक है, कोई का पापा टीचर है, 25,000-30,000 की नौकरी वाला आदमी 30 लाख कहाँ से दे और क्यों देगा और क्यों दे? हम पेपर, हमें पेपर नहीं देने दिए जा रहे। कोई बात नहीं, नहीं देंगे। 150 डॉक्टर कम बनेंगे। एक कोविड था जब हर कोई घर में बैठा था, हम लोग ड्यूटीज दे रहे थे, ठीक है। कल आप हमसे कैसे उम्मीद करोगे हम करेंगे? अगर आज हमारे लिए आप लोग खड़े नहीं होंगे तो कल हम किसी के लिए कैसे खड़े हो जाएं? अगर हम आज 30 लाख देते मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो सकता है उस चीज़ के लिए। क्या दें, कहाँ से दें और क्यों दें? जब कोर्ट ने डिसाइड नहीं किया तो इनको क्या हक है कि हमारे फ्यूचर के साथ ये खेलें?